आज आपको सिखाएंगे यूनिवर्सल बिलिंग मशीन के ऊपर जो हेलिकल जो गियर है वो कैसे बनाया जाता है। तो वही कंप्लेंट का क्वेश्चन, तो देखिए कंप्लेंट आपको ये मशीन जो नजर आ रही है ये आपकी है यूनिवर्सल बिलिंग मशीन। इसके ऊपर आपको मैनुअल के साथ लगाकर एक पीस आउट लगाएंगे यानी दो लगाएंगे, उसके ऊपर 25 डिग्री के ऊपर हम 25 डिग्री के ऊपर टीच बनाएंगे यानी हेलिकल गियर रेडी करेंगे। वही स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए हमने एक ब्लैंक रेडी कर लिया है, तो इस ब्लैंक को हम लगाते हैं हमारी लेथ मशीन के ऊपर। और ये जो पीस हमने लिया है ये 75 mm का ये एक डाया लिया है, डाई के अकॉर्डिंग ये जॉब रेडी की है। इसके ऊपर हम बनाएंगे एक हेलिकल गियर। ब्लैंक तैयार कर लिया है, सेंटर के अंदर इसके अंदर एक होल हमने कर दिया है और ऊपर देखिए यहाँ पे एक मैंडर लगा दिया है लेथ मशीन के अंदर। सबसे पहले इस ब्लैंक को हम इसके अंदर रेडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लगाते हैं, की मशीन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के आपको हेलिकल गियर के बारे में बताएंगे कि इस तरीके से काटा जाता है। तो पूरी मशीन आप देख सकते हो ऐसे ऐसे, ये देखिए पूरी मशीन कंप्लीट है और ये देख सकते हो आप। तो दिखाते हैं आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे, इसके अंदर ये चक है और यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम मैंडरल को लगाएंगे यानी एक तरह डेड सेंटर है ये पे। यूनिवर्सल इंडेक्सिंग जो हेड है ये वाला लगा हुआ है, तो पूरा प्रोसेसिंग आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो अब इसके अंदर लगाएंगे मैंडरल और जॉब हमारा रेडी है। तो देखिए इसकी जो टेबल है हम ऊपर कर रहे हैं थोड़ा, तो जॉब और ये जो कटिंग जो टूल लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके आएंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो हैंडल है यहाँ पे लगा हुआ है टेबल को अप करने के लिए। तो जैसे ही पूरा ये देख सकते हो आप, ये जॉब देखिए और टूल देखिए बिल्कुल ये पास आते हुए, ये देखिए। तो मशीन को हमने कर दिया है ऑन, तो देखिए यूनिवर्सल इंडेक्सिंग जो हेड है कैसे कार्य करता है पूरा देखिए। जो हमने जो गियर जो मैच किए हैं इसी के अकॉर्डिंग जो है ये हेलिकल गियर जो आपका रेडी किया जा रहा है। यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड जो है वो देखिए किस तरह का होता है पूरा, और कूलेंट के लिए हमने रेडी कर दिया है मशीन के लिए। और ये कूलेंट पाइप है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं जॉब पे तो कूलेंट अति महत्वपूर्ण है। विदाउट कूलेंट अगर हम बनाएंगे तो हमारा कंडर और जॉब पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, इसलिए कोई भी ऑपरेशन करते समय कूलेंट का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। देखिए हेलिकल जो गियर जो है वो हम रेडी कर रहे हैं, कूलेंट देखिए चलता हुआ और कटर जो है 25 डिग्री पर ये जो हेलिकल गियर जो है हम रेडी कर रहे हैं।
यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड को सेट करते हुए सेकेंड टीथ के लिए, क्योंकि जितने भी आपके गियर काटे जाते हैं, चाहे सफर गियर हो या फिर हेलिकल गियर हो, वो इंडेक्सिंग हेड के द्वारा ही वो टीथ जो है काटे जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, वो कैलकुलेशन की होती है भी कौन से कहाँ पे हमें इसको सेट करना होता है। देखिए रेडी कर दिया है और ये देखिए सेकेंड जो टीथ है देखिए, एक बार हम बीच में मशीन को रोक दिया है और आपको चेक करना है इसी तरीके से भी आपकी जो टीथ जो है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सही का क्रैश एंगल, और ये आपका यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड। फिर हम इसको सेट कर रहे हैं, तीन नंबर का यानी थ्री नंबर का जो टीथ है उस पर हमने सेट कर दिया है और अब मशीन को ऑन करेंगे। फाइनल प्रोसेसिंग हमारी जारी है और ये हेलिकल जो गियर है वो रेडी होने वाला है। इसके जो टीथ जो है वो 25 डिग्री के ऊपर हमने एंगल पे ये रेडी किया है, और ये जो एंगल जो है आपको दिखाते हैं तो देख सकते हो, ये 25 डिग्री के एंगल पे हमने इसको सेट किया है। देखिए फाइनल जो टीथ के ऊपर हमने जो फीड है वो दे दी है और इस तरीके से आप देख सकते हो। सुरेश जांगड़ा जी के मार्गदर्शन में ये जो हेलिकल जो गियर है ये बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट आईटीआई आदमपुर के बच्चों का जो हुनर है, उनकी जो कला है, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो देखिए ये जो कार्य करवाया जाता है ये गवर्नमेंट आईटी आदमपुर मशीनिस्ट ट्रेड के अंदर, ये हेलिकल गियर जो है बच्चों को ये ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ट्रेड के अंदर काफ़ी लाजवाब तरीके से बच्चों का जो स्किल और हुनर है वो सिखाया जाता है, और आपको करीबी से दिखाते हैं भी किस तरीके से जो ये गियर है ये रेडी किया गया है। पूरा जो प्रोसेसिंग और सावधानी के अकॉर्डिंग ये जो बच्चों को जो कार्य है ये करवाया जाता है। और ये देखिए पूरा आपको दिखाते हैं मशीन का जो पूरा सिस्टम है वो इस तरीके से होता है। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से देखिए ये यूनिवर्सल हेड जो है कैसे कार्य करता है, और उधर देखिए कटर कैसे रनिंग में कर रहा है, और हमारा मैंडल के अंदर जो जॉब पकड़ी हुई है देख सकते हो आप, इस तरीके से हेलिकल आपको गियर जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो देखिए ये जो गियर जो है रेडी कर दिए हैं, टीथ आप देख सकते हो किस तरीके से बने हुए हैं, और फाइनल आपको दिखाएंगे निकाल के भी इस तरीके से जो गियर है हमने रेडी किया जो है रेडी कर दिया है। और अब जो है इसको खोल देते हैं। तो बेटा ये डेड जो सेंटर है पीछे करो, और ये तो देखिए इस तरीके से जो है हमने जो हेलिकल जो गियर है वो रेडी कर दिया है। तो देखिए हमने ये रेडी कर दिया है, तो ये आपका है हेलिकल गियर, ठीक है। इसकी जो फिनिशिंग है फिलहाल जो है अभी फिलहाल पेंडिंग है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो टीथ जो है वो बन गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट आपको मैंने बता दिया है, और ये है आपकी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के ऊपर हमने हेलिकल गियर रेडी किया है।
फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जो पसंद आएगा। फिर मिलता है एक नई वीडियो एक नए टॉपिक का, तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।